हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का भाई का जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है दोस्तों, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन आज के समय में सिर्फ गंजेपन से मुक्ति पाने के लिए लोग नहीं करा रहे हैं। आज के समय में आपका जो लुक है उसको और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए भी लोग करा रहे हैं। जैसा कि आप भाई का देख सकते हैं, फ्रंटल पार्ट में थोड़े बहुत बाल थे लेकिन ऊपर से बाल इनके ख़त्म हो चुके थे, यंग थे। अब ये जो यू नो सीन होता है, ये जो एक यंग एज में अवस्था आ जाती है, इस केस में लोग ट्रीटमेंट कराने से अच्छा अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि जितना टाइम खर्चा आप ट्रीटमेंट कराने में करोगे, एक छोटे सा सर्जरी लेकर आप अगर वो पूरे बाल वापस पा सकते हो, उसके बाद ट्रीटमेंट करो, जो एग्जिस्टिंग हेयर्स बचने होंगे वो फिर से बच जाएंगे, डेंसिटी और बढ़ जाएगी, लेकिन कम से कम आप इस जो गंजेपन का मकड़ जाल है इससे बाहर आ जाते हो। आज के समय में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी ये ट्रीटमेंट वगैरह कराने से पहले जो है थोड़ा बहुत भी ग्रेड जो है बढ़ जाता है तो ट्रांसप्लांटेशन का सोल्यूशन की तरफ जानते हैं। कितना सही कितना गलत ये आप व्यक्तिगत रूप से खुद डिसाइड कीजिए। ऐसा ही एक केस आज के हमारे भाई का है। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयरलाइन तो थी लेकिन ऊपर से सिक्स क्रेड के एरिया काफ़ी हद तक खाली हो चुका था। ट्रीटमेंट करके बाल यहाँ वहाँ करके चला सकते थे, फाइबर वगैरह लगा के चला सकते थे, लेकिन अगेन वो नेचुरलिटी नहीं आती है इस टाइप के केसेस में। तो भाई ने जो है हमसे कॉन्टैक्ट किया था हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। उस टाइम इनका बेसिक फंडा ये था कि हेयरलाइन थोड़ा सा अच्छा चाहिए इनको। ऑलरेडी इनकी एग्जिस्टिंग हेयरलाइन थी लेकिन थोड़ा बहुत जब तो करवा ही रहे हो तो हेयरलाइन थोड़ा सा डेंस दिखना चाहिए और पीछे पूरा पैक चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से। सबसे अच्छी बात ये थी कि इनका डोनर एरिया बहुत ही अच्छा था, जिससे कि डॉक्टर्स को जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में इस टाइप का रिजल्ट देना काफ़ी ईजी हो गया था। लेकिन उसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा हर्डल था डॉक्टर्स के सामने कि इनको जो है हेयरलाइन में जो है जो एग्जिस्टिंग हेयर्स है उनको मर्ज करते हुए एक बहुत हाई डेंसिटी में हेयरलाइन देना, जिसमें जो ट्रांसप्लांटेड बाल है और एग्जिस्टिंग बाल है वो अच्छी तरीके से मर्ज हो पाए। इससे पहले कि दोस्तों इनकी पूरी जर्नी आपके सामने शो करूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम का हैंडल जो है भाई मैंने पिन कमेंट पे दिया हुआ है, उसको प्लीज़ जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, बस इतना ही मैं चाहता हूँ भाई। और फाइनली जब हेयरलाइन को डिज़ाइन करने के बाद, हेड शेप करने के बाद, ये फाइनल आउटकम आया जहाँ पे सिक्स ग्रेड का एरिया जो है अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा, जहाँ पे फ्रंटल हेयरलाइन में ठीक ठाक डेंसिटी, एग्जिस्टिंग हेयर्स ऑलरेडी हैं तो ग्राफ्ट वहाँ पे कम ही लगेंगे, लेकिन जो भी लगेंगे वो अच्छी डेंसिटी में देना ज़रूरी है। इसलिए इस टाइप के केसेस में जो है सफारी ब्लेड से स्लिट्स बनाने बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, क्योंकि उससे एग्जिस्टिंग हेयर्स जो है वो डैमेज नहीं होते हैं। उसके साथ साथ देख सकते हैं कि पीछे भी इनको ट्रांसप्लांट कराना है जहां पे बेसिक जो है एरिया कवर होना है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन इनका चालू हो चुका है जहां पे लोकल एनेस्थीसिया देकर बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। लोगों को ये डर लगता है ट्रांसप्लांटेशन में पेन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। तो कुछ जो फर्स्ट इंजेक्शन के पेन होते हैं वही होता है। फिर एक्सट्रैक्शन चालू होने के बाद आप लोग देख सकते हैं सर्जरी इंप्लीमेंट होने के बाद इस टाइप का आउटपुट आया हुआ है। ज़बरदस्त तरीके से जो है सर्जरी को एग्जीक्यूट किया गया है, जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग हेयरलाइन थी वहीं से जो है हेयरलाइन को और अच्छी तरीके से डेंस किया गया है और पीछे तक एक यूनिफॉर्म डेंसिटी में अच्छी तरीके से इनके एग्जिस्टिंग हेयर्स को मर्ज करते हुए ट्रांसप्लांटेशन को एग्जीक्यूट किया गया है। दोस्तों वीडियो आगे लेने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैंने खुद अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया। मैं खुद पहले बाल मेरे झड़ चुके थे, फिर मैंने ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन लिया और उसके बाद दोस्तों हज़ारों लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से ट्रांसप्लांटेशन कराया हुआ है बहुत ही वाजिब रेट में। दोस्तों वाजिब रेट का मतलब ये नहीं होता है कि 10 रुपये 15 रुपये, दोस्तों एक पर्टिकुलर जो है अमाउंट आपको देना चाहिए ताकि आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी वो भी मद्देनजर रखा जा सके। तो आप भी अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते हैं और किसी प्रकार की हेल्प हमारे चैनल के माध्यम से आपकी की जाए, आपको ऐसा लगता है, तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने बॉल्ड एरिया और डोनर एरिया की पिक्स। दोस्तों समय आ चुका है इनके हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट का, तो आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर में कितना जमीन आसमान का फर्क है। इवन चेहरे के हाव भाव में भी फर्क आ जाता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद। आप लोग देख सकते हैं कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कितनी सुंदर पर्सनैलिटी इनकी दिख रही है। आप लोग देख सकते हैं जब कंघी घुमाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कितनी हाई पैक डेंसिटी में जो है ट्रांसप्लांटेशन को किया गया है। ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बाल को हटा के जो है रिजल्ट दिखाया जा रहा है। कोई कह नहीं सकता कि इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। इवन इतनी हाई डेंसिटी तो हेयर पैच में आती है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लेकिन फॉर्चुनेटली इस टाइप के केसेस में ग्रेड छोटा, डोनर अच्छा, यंग उम्र है और हेड साइज भी डिसेंट है, तो बहुत जबरदस्त हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट होते हैं इस टाइप के बंदे। तो बारीकी से अगर एक एक बाल हटा के आपको दिखाया जाए तो देख सकते हैं इतने छोटे बालों भी इतनी हाई डेंसिटी आ सकती है। दोस्तों सिंपल सा फंडा है, अगर आपका डोनर है तो और ग्रेड सही है तो बहुत ज़बरदस्त का हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट आपका भी आ सकता है।
ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का अच्छा रिजल्ट उसी को कहा जाता है जहाँ पे जो है जितने भी ग्राफ्ट लगा है चाहे वो सर्वाइव कर जाएं। इस केस में आप देख सकते हैं वैसा ही हुआ, आप देख सकते हैं हेयरलाइन कहीं से भी लग नहीं रहा है कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है, बिल्कुल भी नहीं लग, इतना नेचुरल हेयरलाइन बनाया गया। ये पूरे सफायर ब्लेड के माध्यम से ही जो है इस टाइप की नेचुरल हेयरलाइन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। दोस्तों ग्राफ्ट जितने लगे हैं करीब 3,500 से 4,000 के आसपास जो है ग्राफ्ट इनके लगे हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं डोनर एरिया इतने छोटे वालों में भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकाले गए हों। तो बिफोर एंड आफ्टर का अगर आप देखें कंपैरिजन करें तो पहले कुछ ये इस टाइप के दिख रहे थे और आप देख सकते हैं कि 6 ग्रेड का एरिया अफेक्टेड था, एक छोटी सी सर्जरी ली और ये अभी तक अगर ट्रीटमेंट करा रहे होते इस ग्रेड में तो ये ट्रीटमेंट अभी भी लेते रहते तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटी सी सर्जरी ले जाने के बाद पूरा लुक चेंज हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप जाके ट्रांसप्लांटेशन कराए, बिल्कुल नहीं। इस केस में आप देख सकते हो सिर्फ फ्रंटल हेयरलाइन जो है इनकी थी और बाकी पूरे बाल झड़ चुके थे, तो इन्होंने डिसीजन लिया ट्रांसप्लांटेशन करवाएंगे अच्छी तरीके से, एज भी हो गई थी, हेयर फॉल स्टेबल था। तो ये केस जो है इस टाइप की केसेस में ट्रांसप्लांटेशन ही सही डिसीजन होता है। अब अगर इनको ट्रीटमेंट से थोड़े बहुत जो बाल आने हैं वो अभी भी जो ट्रीटमेंट चलेगा उनका मेडिसिन चलेगा उसमें वो आ जाएंगे, इवन इन फ्यूचर भी आपको इवन इन फ्यूचर इनको जो है अपने एग्जिस्टिंग हेयर से हेयरलाइन पे उनको बचाने के लिए बीच में हो सकता है मेडिसिन लेना पड़े। सो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन डिसीजन लेना चाहते हैं, कहीं से भी कुछ कन्फ्यूजन है तो हमें डेफिनेटली आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हज़ारों लोगों ने पिछले 5 साल से जो है ट्रांसप्लांटेशन कराया, सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं डेफिनेटली हमारी टीम पूरी तरीके से आपको हेल्प करेगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।